वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा CBT एग्जाम ITI की कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ICTCM और कारपेंटर इस व्यवसाय की जो CBT एग्जाम है, CBT एग्जाम का चौथा फेज ये 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक इस शेड्यूल में इस स्लॉट में होगा। ये वीडियो एंड तक देखिए और राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। DGT नई दिल्ली ने CBT एग्जामिनेशन शेड्यूल 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक ये दिया है और महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो कोर्सेस हैं उस कोर्सेस का CBT जो एग्ज़ाम का चौथा स्लॉट ये 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक होगा और इसमें महाराष्ट्र की कारपेंटर NSQF कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस NSQF इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस जिसे ICTCM कहा जाता है, इन तीन ट्रेड की एग्जाम ये 21 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2021 को होगी। इन तीन ट्रेड की एग्जाम अलग अलग ITI में इसके सेंटर होंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम रहेगी, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम ये चौथा फेज DGT ने 21 जनवरी से 23 जनवरी तक लेने का फैसला किया है और अलग अलग ITI में जो नोडल ITI हैं उस नोडल ITI में ये डिफरेंट मतलब अलग अलग समय के ऊपर एक ही ITI के बच्चे जो उम्मीदवार हैं ITI के स्टूडेंट अलग अलग ITI में उनकी एग्जाम रहेगी। तो परीक्षार्थी ये ध्यान दे कि आपका सेंटर कहाँ पे है, इसके लिए आपने जो भी MS पोर्टल के ऊपर आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड और ईमेल ID दिए उसे आप शुरू रखिए और कारपेंटर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस और ICTCM इन तीन ट्रेड की एग्जाम इस दरमियान होगी। राज एजुकेशन का इसके पहले का ही एक वीडियो CBT एग्जाम किस प्रकार से होगी, कैसे लॉगिन करना, पेपर कहाँ से आएगा, कितने समय का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क रहेंगे, एग्जाम कहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहाँ से आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, उसी भी देखिए। और राज एजुकेशन ने जो बोला था कि महाराष्ट्र की बाकी ट्रेड की भी एग्जाम इसी दरमियान होने वाली हैं, ये न्यूज रियल हुई है। तो इस एग्जाम के लिए कारपेंटर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस और ICTCM इस ट्रेड के व्यवसाय के जो भी बच्चे हैं परीक्षार्थी हैं उनके लिए शुभकामनाएं। ये एग्जाम में नेमी बेस क्वेश्चन रहते हैं तो नेमी ऑनलाइन सैंपल जो पेपर हैं उसे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो ऐप DGT ने दिया था उसके अंदर के ज़्यादातर क्वेश्चन इस एग्जाम में रहते हैं और सेमी बेस नेमी बेस पैटर्न के ये एग्जाम रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी नेमी ऑनलाइन सैंपल टेस्ट जो है उसके अंदर आपको मिलेंगी। धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिन्हें पता नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम हुए उन्हें बताइए। धन्यवाद।